नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। आप तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज एक बात आप लोगों के साथ करनी है चाहने वालों के बारे में। जी हाँ, आप सबके बारे में जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी को पसंद करते हैं, किसी स्टार को फॉलो करते हैं, उसे एडमायर करते हैं, उसके फैंस होते हैं। दोस्तों, हर कोई किसी न किसी का फैन हो सकता है, कोई किसी को पसंद कर सकता है, कोई फिल्म स्टार का फैन हो सकता है, कोई किसी क्रिकेटर का, कोई किसी पॉलिटिशियन का, कोई किसी डॉक्टर का, कोई किसी आईएएस का या कोई किसी आईपीएस का। फैन कोई किसी का भी हो सकता है, ज़्यादातर लोग फिल्म स्टार्स के फैन होते हैं। लेकिन इन फैंस के बारे में भोजपुरी स्टार्स की जब हम बात करते हैं कि भाई हमारे भोजपुरी स्टार्स के फैन कैसे हैं, इनके चाहने वाले कैसे हैं, तो आप सब जानते हैं कि भोजपुरी स्टार्स के फैंस लाखों करोड़ों में हैं, यूपी बिहार से आगे बढ़कर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में भोजपुरी को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ इनके स्टार्स की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और शायद ये बड़ा कारण है कि इनके गाने रिलीज होते ही, फिल्में रिलीज होते ही वायरल हो जाती हैं और इन्हें जो व्यूज हैं वो करोड़ों में मिलते हैं। ये इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। अच्छा, अब इसमें कुछ खास किस्म के फैंस हैं जो कि अपने स्टार के लिए, जिसे वो एडमायर करते हैं, जिसे वो पसंद करते हैं या जिसे वो फॉलो करते हैं, उसके लिए कई बार दीवानगी या यूं कहें पागलपन की हद को पार कर जाते हैं। पागलपन इसलिए क्योंकि ऐसा करना शायद सबके वश की बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हाल ही में एक मामला सामने आया पवन सिंह के एक फैन का। जी हाँ, पवन सिंह के इस फैन ने अपने सीने पर, जी हाँ, अपने सीने पर बाकायदा पवन सिंह के चेहरे का टैटू करवा लिया। पवन सिंह के पूरे चेहरे का उन्होंने अपने सीने पर टैटू करवा लिया और इसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा। और इसके बाद ये पवन सिंह को जब पता चला तो पवन सिंह ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा कि ऐसा मत कीजिए, इससे आपको दर्द होगा। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको भोजपुरी स्टार्स और उनके चाहने वाले खास फैंस के बारे में। किसी ने बाल कटवाए, किसी ने फोटो इकट्ठा किए, किसी ने हाथ काटा तो किसी ने सीने और हाथ पर टैटू तक बनवा लिया। ये ऐसे फैंस हैं जिन्होंने अपने चहेते स्टार के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर ली। सबसे पहले बताने जा रहे हैं पवन सिंह के एक फैन के बारे में। जी हाँ, ये बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में पवन सिंह से मुलाकात की है। पवन सिंह जब इनसे मिले अपने घर पर तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई आप क्या चाहते हो, आप मेरे फैन हो, आपने सीने पर मेरा टैटू बनवाया। ये बाकायदा एक जिम चलाते हैं और इनकी खासियत यह है कि ये पहले भी कई बार अपने पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पावर स्टार लिखवा चुके हैं, अलग अलग जगहों पर पावर स्टार लिखवा चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपने सीने पर बाकायदा एक टैटू बनवाया पवन सिंह के पूरी के पूरे फेस का। अब जब इनसे पवन सिंह की मुलाकात हुई तो पवन सिंह ने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए, आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको दर्द हो, आपको परेशानी हो। और इसके बाद पवन सिंह ने इनसे कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं। जब बातचीत इनकी हुई पवन सिंह के घर पर तो उन्होंने कहा मैं फिल्म में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो पवन सिंह ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम एक फिल्म में काम करने का मौका देंगे। और इसके बाद ये काफी खुश हो गए। अब इसके बाद एक और फैन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये रितेश पांडे के फैन हैं। जी हाँ, इनका नाम है सनी राजपूत और इन्होंने पिछले दिनों अपने हाथों पर, जी हाँ, अपने एक हाथ में बाकायदा रितेश पांडे के चेहरे का टैटू करवाया था। और ये वीडियो हमें रितेश पांडे के फेसबुक से मिला और उस पर उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा सब आप लोग मत कीजिए, आप लोगों को तकलीफ होगी, दर्द होगा, और अगर आप तकलीफ में रहेंगे, दर्द में रहेंगे, तो किसी भी स्टार को कैसे अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो एक और फैन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भाई साहब खेसारी लाल यादव के फैन हैं। इन्होंने बाकायदा क्या किया पिछले दिनों, मुझे याद है कि करीब एक साल पहले की बात होगी शायद, इन्होंने अपने हाथ पर बाकायदा ब्लेड से खेसारी लिखवा लिया। जी हाँ, उन्होंने अपने हाथ को यहाँ से ऐसे कट किया
और खेसारी लिखा लिया और बाकायदा इसकी फोटो वायरल हुई और उसके बाद खेसारी लाल यादव को खुद लाइव आना पड़ा और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा, आप अपना खून मत बहाइए और मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका खून नहीं। तो ये अलग अलग किस्म के फैन हैं। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव के एक और फैन थे जिन्होंने अपने बाकायदा बाल जो है उसे अलग स्टाइल में कटवाया, उन्होंने उस पर खेसारी लिखवा लिया, खेसारी लाल। ये जनाब गोरखपुर के थे और ये खेसारी लाल यादव से जब मिलने पहुंचे तो खेसारी लाल यादव इन्हें देख के काफी खुश हो गए और उन्होंने इनसे बातें भी की। तो ये कुछ फैंस हैं जिनके बारे में हमने आज आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे फैंस हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिन्हें कि आम लोगों के बस की बात नहीं है, आम लोग इसे कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको इससे तकलीफ हो सकती है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि आप लोग भी इस तरह की चीज़ें शुरू करें, इस वीडियो का मतलब ये था कि भाई अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें, ये खतरनाक हो सकता है। आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, ये बताने के और भी तरीके हो सकते हैं, ना कि अपने आप को तकलीफ देकर, अपने आप को कष्ट देकर, या कहीं काटने से या कहीं टैटू बनवाने से। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।